अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हाय हेलो नमस्कार नमस्ते नमस्ते कई फहालू की सस्रीकाल, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम बोले तो खराब ना कर मेरा। तो वेलकम बैक विद अ न्यू डे। इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। सो आज का हमारा व्लॉग है इस बारे में कि आज हम पूछेंगे बच्चों से कि वो थोड़ा और बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं फैज से पूछते हैं कि वो बड़ा होकर क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। फैज क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? पहले तो डिग्री कंप्लीट करनी है ना। अच्छा, पहले तो डिग्री कंप्लीट करनी है ना। अच्छा, उसके बाद अभी कुछ सोचा नहीं है क्योंकि हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं मुल्क के। कुछ समझ नहीं आ रही क्या करें। घर जाना है जाना है। सोच रहे हैं कि बंदा कोई स्कॉलरशिप ढूंढ के बाहर चला जाए। चार साल किसने डिग्री मुकम्मल कर रही है, अभी कह रहे सोचना है कि अब बंदे ने क्या करना है। मतलब ऐसे हालात ये हालात है ना पाकिस्तान के, ये इस डिग्री करके ये हालात हैं लोगों। चलो आओ कारी साहब से पूछते हैं कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। कारी साहब आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? हम साहबा जैसा बनना चाहते हैं। ड्रीम जॉब आपकी क्या है? व्हाट डू यू वांट टू बी लाइक? ड्रीम जॉब कोई हो जाए, कोई व्हाट विल यू डू सैलरी इतनी के अपने घर वालों के खर्चात नहीं, कोई जॉब बंदा होता है हाँ मुझे ये करना है, हाँ मुझे ये, हाँ जो भी जॉब मिल जाए कंप्यूटर कुछ के रिलेटेड। गुड हो गया। हसनाथ साहब, हसनाथ साहब के पास चलते हैं। हसनाथ साहब आप क्या करना चाहते हैं? ये बात के देखे हम लोग कितने अच्छे बंदे हैं, हमारी कोई मतलब ना वो नहीं है, ख्वाहिशात नहीं है। हम कहते हैं कि जो मिल जाए बस मिल जाए। आजकल के दौर में थोड़ा सा भी मिल जाए ना, थोड़ा सा मिल जाए तो अच्छा है। ये कुछ मिलता नहीं तो तभी तो यही ना आजकल के, कुछ मिलता होता तो आगे। क्या बनना चाहते हैं मतलब क्या ड्रीम जॉब क्या आपकी? ड्रीम जॉब पापा बनना है। पापा बनना है उसके अलावा मैंने पहले बता दिया था कि पापा के अलावा आपने क्या? हमजा को पापा बनना। देखो भाई कुछ भी डिसाइड नहीं। हाँ चार साल गुजार के इनका भी कुछ डिसाइड नहीं हुआ, तुम्हारा तो हो गया ना। आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? जहाज। जहाज चलाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं? अल्लाह आपको जहाज बनना मुबारक करे। मला ना हाथ मिला। तुम क्या करना बनना चाहते हो? अभी सोच रहे हैं लुगेश। ये सबसे अजीब इनका आंसर है कि अभी सोच रहे हैं। लुगेश बन चुका है वैसे, मेरा बड़ा ख्याल है कि पीएम बन रहा है। बड़ा कब होना? थोड़ा सा मतलब एक साल बाद जो डिग्री कंप्लीट करने के बाद और बड़ा हो जाता है ना बंदा, मैच्योर हो जाता है। किसका? डोगरानी का। डोगरानी का ड्रीम जॉब क्या है? अच्छा ड्रीम जॉब क्या आपकी, क्या करना चाहते हैं? वे नहीं वे जाने, आई वांट टू फेयर पेरेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, फॉल चिल्ड्रन के अलावा। कैसा तुम क्या करना चाहते हो? पैसा कमाना चाहते हो? कितना पैसा कमाना चाहते हो? इतने पैसे का क्या करोगे? इतने पैसे का क्या करोगे? उस पैसे से और पैसा कमाऊंगा। और उन पैसों के क्या करोगे? पैसा कमाऊंगा। आखिर में मरना ही है, कब्र में पैसा नहीं लेके जा सकते? किसी और गरीब को दे दूंगा। मनाल आप क्या करना चाहती है? बड़े हो गए पहले तो पूछिए आपने, और कितना बड़ा होना है? और कितना बड़ा होना है आपने? ड्रीम जॉब क्या आपकी, मतलब जॉब वगैरह करनी है? अच्छा गलती से कंप्यूटर की फील्ड। शुक्र ये नहीं कहा कि मैं अपने उनके कंपनी में लगना चाहती हूँ। कंपनी वो अपनी कंपनी है, हमारी जॉब। कमर तुम क्या करना चाहते हो? आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़े होके मैं बड़ा ही हूँ भाई। नहीं मतलब ड्रीम जॉब क्या आपकी, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप करना क्या चाहते हैं, लाइफ के गोल्स क्या हैं आपके? मेरे लाइफ के गोल्स ये कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। अच्छा बड़ी सोच है मेरी। पैसा कमाना चाहते हो? पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा होगा। पैसा लाइफ में पैसा हो तो सब कुछ है भाई। पैसे से क्या करोगे? पैसे से जो जो दिल चाहे मेरा करूंगा। जो दिल इसका क्या करेगा? आप क्या करना चाहते हैं भाई? मैं इंसानियत के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो अच्छा पैसे हो तो फिर सीएस में क्या कर रहे हो? मोहम्मद अली ब्लॉग के लिए कुछ करना चाहता हूँ। नहीं फिर सीएस में आप क्या कर रहे हैं? सीएस में जबरदस्ती भेज दिया गया। हाँ ये मेरे साथ भी यही हुआ है। अफसोस हम दोनों भाई भाई हैं। भाई हाथ मिला लो।
हाथ मिला लो। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? अभी और कितना बड़ा बनना है? नहीं, तुम छोटे हो ना। नहीं मतलब तुम्हारी ड्रीम जॉब क्या है? व्हाट डू यू वांट टू बिकम? हमजा का पापा? नहीं, फक ऑफ, बकवास नहीं कर। अच्छा तुम इसको सुनना, उसको बोलने दो, बोल क्या कहा है। ड्रीम जॉब मेरी तो ये थी कि मैं पायलट बनूंगा, वो वाला जहाजों वाला नहीं। अच्छा अच्छा, पायलट बनने का कह रहा, पेरेंट्स बनूंगा मैं, पेरेंट्स सिंगल पेरेंट, अस्तग़फ़िरुल्लाह। क्यों तुमने तुमने वो देखा ना बोर्ड पुल के ऊपर लगा, मर्दाना कमजोरी का मुकम्मल इलाज। तो वहाँ से रब्ता करो, तो वहाँ पे जाओ अगर तुम बनना चाहते हो पेरेंट। कोई बाप अपनी लड़की देगा तो बनेगा पेरेंट। अच्छा, उसके बाद ये है कि यार ऑनलाइन अर्निंग में थोड़ा बहुत हम आज। सो मिस्टर जिशान, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? बड़े होके बनना जो चाहता हूँ वो रमजान के बाद ही बताऊंगा, अभी तो नींद बड़ी आई थी। मतलब ना तुम्हारी ड्रीम जॉब क्या है? मतलब सीएस करके क्या करोगे? इश्क करके की कमाया ही। सीएस आके की कमाया ही है। हाँ, यार कमाया अभी कुछ नहीं है। अच्छा। सीएस करने के बाद जो है ना कुछ 6 महीने सोचने पे लगाएंगे। अच्छा, मतलब तुमने अभी कुछ नहीं सोचा? अभी हमने कुछ खास सोचा नहीं है, जो होगा ना मुकद्दर या नसीब। वो आज मेरी पूरी क्लास ने कुछ नहीं सोचा हुआ कि इन लोगों ने करना क्या है, और इन लोगों ने 3 साल गुजार दिए हैं, अपने बर्बाद किए हैं मेरी तरह, और मुझे भी नहीं पता मैंने करना क्या है। सो अब अब्दुलरहमान आया है, अब्दुलरहमान के साथ हमने परफ्यूम लेने जाना है। क्यों अब्दुलरहमान जाएं? तो अली को भी लेके जाना था। कितना? अच्छा, बोनेंजा अठरंगी से हम लोग परफ्यूम लेंगे। अली को कहा था लेके जाएंगे, मगर अली की क्लास अरेंज हो गया, तो हम लोगों का हम खुद ही आवारा गर्दी के लिए निकल जाते हैं, अरेंज हम खुद ही अरेंज कर लेते हैं। सो हाँ सच, अब्दुलरहमान तुमसे एक बात पूछनी है मुझे। इधर तुम मेरे पास आओ ना, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बड़े होके मैं क्या बनना चाहता हूँ? तुम्हारी ड्रीम जॉब क्या है? ड्रीम जॉब है, मैं बड़े होके क्या बनूंगा? डिजाइनर बनूंगा, मैं अपना ब्रांड खोलूंगा। किस चीज का? अंडरगारमेंट्स का। यस। चल चलो जाके इलाज करो। ही सेड यस। AR कलेक्शन कर बनाना चाहते हैं। वैसे मेरा भी ख्वाब था कि मैं डिज़ाइनर बनूं, MSM ब्रांड अपना खोलूं, मगर उससे पहले उन लोगों ने, MSM शॉपिंग वालों ने मेरी बात सुन ली, उन लोगों ने अपना ब्रांड खोल लिया। बट अब मैं अपना नाम चेंज कर कर बदल करके एक नया ब्रांड खोलूंगा इंशाल्लाह सून।